बुलंद होते जा रहे हैं। मामला खमरिया थाना क्षेत्र में आने वाले गधेरी महगवां का है, जहां बीती रात मामा मैगी सेंटर पर 8-10 बदमाशों ने तलवार से तोड़फोड़ कर हवाई फायरिंग की और घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम दे बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कल रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि मामा मैगी सेंटर डुमना रोड पे ये अज्ञात, पहले तो अज्ञात थे, अभी ज्ञात हो गए हैं। तो ज्ञात पवन सोनकर, दानिश खान, कमलेश यादव नाम के 3 लड़के, उनके 7-8 साथी थे। अन्य ने मिलकर तलवार और हवाई फायरिंग की, तलवार से दुकान में तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग की, जिसपे पवन यादव मामा मैगी सेंटर के संचालक द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। दबिश दी गई है अपराधियों पे, जो अभी ज्ञात नहीं हो पाए हैं, पता नहीं चल पाया है, तलाश की जा रही है। रायबरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक शातिर अपराधी को लाखों की संपत्ति कुर्क कर दी है। सुरेंद्र यादव उर्फ पप्पू गिलिहा नामक इस अपराधी पर अलग अलग थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने पप्पू के पैतृक गांव गिलिहा में 34 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। पप्पू गिलिहा के खिलाफ 2020 में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, वो तभी से पुलिस के रडार पर है। थाना मिलेरिया के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में अभियुक्त सुरेंद्र यादव उर्फ पप्पू गिलिहा पुत्र बैजनाथ यादव के विरुद्ध 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई। ग्राम गिलिहा में उसका घर है, जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाया गया था, उस संपत्ति को आज कुर्क किया गया। सुरेंद्र यादव का लंबा आपराधिक इतिहास है, सन 2005 से अपराधों में सक्रिय है और उसके विरुद्ध NDPS और हत्या का प्रयास, लूट, छिनैती, चोरी जैसे अनेक अभियोग रायबरेली जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं। 2020 में थाना मिलेरिया में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसी क्रम में आज ये 14A गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और इस संपत्ति की जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 34 लाख रुपए है।